नमस्कार दोस्तों, स्वागत कर रही हूँ आप सभी का एक बार फिर से शिक्षा प्रभा में। बेटा, आज आप लोगों का मॉर्निंग शिफ्ट में आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, प्री बोर्ड एग्ज़ाम क्लास टेंथ के बच्चों ने सोशल साइंस का। अब आप लोग देख रहे हैं अपने एग्ज़ाम का सॉल्यूशन आंसर की, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। यहाँ पर मिलेगा आपको आपके सोशल साइंस के पेपर का सॉल्यूशन। ऑफिशियल आंसर की अभी आना बाकी है, जो बेटा आपको शाम को 6 बजे मिलेगी। उससे पहले हम इस पेपर को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर आप शिक्षा प्रभा पर पहली बार आए हैं, अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी तरह से अपने बाकी सब्जेक्ट के पेपर सॉल्यूशन, आंसर की, मॉडल टेस्ट पेपर, CBSE अपडेट्स के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, बम्बई में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब की गई थी? तो बेटा, आप सभी को पता है कि 22 फरवरी 1854 को कावासाजी नानाभाई डावर ने मुंबई में सूती कपड़ा मिल की स्थापना की थी। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ बेटा। तो सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय कर्जदार से अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाता बन गया? तो बेटा, ब्रिटेन ने बहुत ज़्यादा जो है कर्ज लिया हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका से, लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ ब्रिटेन को। तो इसका सही आंसर है सेकेंड का ए, ब्रिटेन। थर्ड क्वेश्चन में है बेटा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब आरम्भ किया गया? तो आप सभी को पता होना चाहिए, प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 1973 को। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, सुरेश उत्तर प्रदेश का निवासी है, उसका राज्य उस प्रमुख खरीफ फसल का प्रमुख उत्पादक है जिसका उपयोग खाद्यान्न और चारा दोनों के रूप में होता है। तो सबसे पहले बात हो रही है उत्तर प्रदेश की खरीफ फसल जिसका जो उपयोग है खाद्यान्न और चारा दोनों के लिए होता है। तो बेटा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मक्का एक खरीफ फसल है, उत्तर प्रदेश में काफ़ी मात्रा में इसका उत्पादन होता है और चारा और खाद्यान्न दोनों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, भारत में किन संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है? संसद में दिया गया है, राज्यों के विधानसभाओं में भी दिया गया है, स्थानीय स्वशासी संस्थाओं में भी दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, निम्नलिखित में से किस देश ने 1950 के दशक में बहुसंख्यवाद की नीति का आधिकारिक तौर पर पालन किया? तो बेटा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतंत्र के परिणाम के संदर्भ में सही है? तो लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा को बढ़ाता है, करेक्ट। इससे फैसलों में बेहतरी आती है, करेक्ट। यह टकरावों को टालने संभालने का तरीका देता है, ये भी सही है। तो हम जाएंगे ऑप्शन डी पर, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए विकास का लक्ष्य हो सकता है? काम करने के अधिक दिन व बेहतर मजदूरी, बिल्कुल सही बात है। सेकंड, स्थानीय स्कूल जोन के बच्चों के लिए उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हो, करेक्ट है। सामाजिक विभेद ना हो, यह भी सही है। तो हम जाएंगे ऑप्शन डी पर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, गलत मिलान की पहचान कीजिए। तृतीयक क्षेत्र की बात हो रही है, टेरिटरी सेक्टर की बात हो रही है, तो बैंकिंग एक करेक्ट ऑप्शन है, शिक्षण करेक्ट है, मत्स्यन और चिकित्सा सुविधाएं। तो जो तृतीय मत्स्यन है ये प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है बेटा, ठीक है। तो 9 में जाएंगे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, यहाँ पर आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और चेक, इनका प्रयोग हम आज की डेट में करते हैं, चांदी के सिक्कों का प्रयोग हम नहीं करते, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दिए गए प्रश्न में दो प्रकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना सा और दूसरा कारण का। कथनों को पढ़ो और सही विकल्प का चयन करो। तो भारत में ऊंचे पदों पर महिलाएं काफ़ी संख्या में अधिक कार्यरत है। सेकंड, भारत में विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात काफ़ी कम है। तो बेटा देखिए, दोनों ही क्वेश्चन थोड़ा सा जो पूछा गया है थोड़ा सा ट्रिकी है, तो ऑफिशियल आंसर के आने का इंतजार करते हैं, देखते हैं उसमें इसका क्या आंसर होगा। वैसे अभी हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी पर अभी के लिए जा सकते हैं, लेकिन श्योर आंसर जब इसकी आंसर की आएगी शाम को 6 बजे तब पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर,
दिए गए प्रश्न में दो प्रकथन दिए गए हैं, संकल्पना सा और दूसरा का, इनको पढ़ना है। तो अफ्रीका में 1890 के दशक में काफ़ी मवेशी मारे गए, बिल्कुल करेक्ट है। रिंडरपेस्ट नामक बीमारी ने पशुओं को अपना शिकार बनाया, ये भी बिल्कुल सही है। तो सा और का दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी कर रहा है सा का की, तो हम जाएंगे ऑप्शन ए पर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए फिर से कथन को पढ़ना है। तो कपास को सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो सा गलत है। कपास को सुनहरा रेशा नहीं कहते, जूट को सुनहरा रेशा कहते हैं। अब सूती कपड़ा उद्योग के लिए कपास एक मुख्य कच्चा माल है, ये सेकंड पॉइंट इसका सही है, यानी कि सा गलत है लेकिन का सही है, तो हम जाएंगे ऑप्शन डी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नीचे दिए गए प्रश्न में दो प्रकथन दिए हैं। टाटा मोटर्स एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, करेक्ट। टाटा मोटर्स एक भारतीय कंपनी है, दोनों सही हैं, दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे एक दूसरे की, तो हम जाएंगे ऑप्शन बी पर कि संकल्पना सा और का दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं हो पा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो हम सभी को पता है मुख्य जो है मुख्यालय यूरोपीय संघ का बेल्जियम में है, तो ब्रुसेल्स जो बेल्जियम का एक हिस्सा है, तो मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नीचे दी गई परिस्थितियों का अध्ययन कीजिए और बताइए कि अनीता किस क्षेत्र में कार्यरत है। तो क्या विशेषताएं हैं उसको और क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? तो नौकरी की सुविधा उसके पास है, स्वास्थ्य सुविधा उसके पास है, काम के निश्चित घंटे उसके पास हैं। तो हम कह सकते हैं कि जहां पर वो काम कर रही है वो एक संगठित क्षेत्र है, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 बेटा आपसे पूछा गया है, नीचे दी गई सारणी में भारत और उनके पड़ोसी देशों के संबंध में कुछ आंकड़े दिए गए हैं। तो कुछ प्रश्न आपसे यहाँ पर आंकड़ों मतलब राष्ट्रीय सकल आय उन लोगों की दी गई है अमेरिकी डॉलर के आधार पर। तो नीचे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनका सही सही आपको आंसर देना है, क्रम में विभाजित करना है। तो बेटा इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको वेट करना पड़ेगा ऑफिशियल आंसर की का। क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा, असंगत को छांटिए। तो इसके अंदर जो भी ऑड है उसको हमें बताना है। तो फोर्ड मोटर्स, पेप्सिको, इन्फोसिस और भारतीय रेल। तो इसके अंदर हम चले जाएंगे डिफरेंट है भारतीय रेल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, राजनीति के क्षेत्र में लैंगिक असमानता का अर्थ क्या है? सार्वजनिक पदों को धारण करने में समानता, मतदान में समान अधिकार, राजनीतिक संगठन बनाने में समानता और उपरोक्त सभी। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन डी पर, यानी कि उपरोक्त सभी पर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका, आर्थिक महामंदी की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी? तो आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई है ऑप्शन बी पर हम जाएंगे, 1929 से लेकर 1939 का जो टाइम है वो आर्थिक मंदी का टाइम माना जाता था। इसके बाद आप लोगों का सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है। सेक्शन बी में कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, तो इनके आंसर्स बेटा जब आप लोगों की आंसर की आ जाएगी तब उस आंसर की में, ऑफिशियल आंसर की में आप लोग इनके आंसर्स देख लीजिएगा। अभी हम लोग चलते हैं आप लोगों का जो क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर हमको पढ़ के देना है। अनुच्छेद आधारित प्रश्न कुछ आप लोगों से पूछे गए हैं, तो हम चलते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ। जी, अब ये है अनुच्छेद जिसको आपको छापे गाने वाला पूरा अनुच्छेद पढ़ना है। और इसके अंदर आपसे जो पहला क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा गया है कि किताबों की कीमतें कैसे गिरी। तो जब हम इस अनुच्छेद को पढ़ रहे हैं तो किताबों की कीमतें कैसे गिरी, तो छपाई से किताबों की कीमतें गिरी, है ना? तो फर्स्ट का आंसर तो हो जाएगा ये। सेकंड जो आपसे पूछा गया है वो है, पढ़ने की एक नई संस्कृति किस प्रकार अस्तित्व में आई? तो पढ़ने की एक नई संस्कृति किस प्रकार अस्तित्व में आई, उसका कारण क्या है कि किताबों तक जो पहुंच है वो आसान हो गई और पढ़ने की एक नई संस्कृति विकसित हो गई। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये दोनों प्रश्न जो पूछे गए थे वो एक एक नंबर में। तीसरा क्वेश्चन जो है बेटा वो आपसे दो नंबर में पूछा गया है कि अगर पहले की जनता श्रोता थी तो कह सकते हैं कि अब पाठक जनता अस्तित्व में आ गई है, कथन का विवेचन कीजिए। तो बेटा आप लोगों ने जब इस पूरे अनुच्छेद को पढ़ा तो आप लोगों ने देखा कि किताबों तक पहुँच नहीं थी, छपाई क्रांति नहीं थी, बहुत महंगी किताबें थी, लोगों की पहुँच के बाहर थी। तो उस वक्त भी लोगों को ज्ञान का लेन देन होता था, तो किस प्रकार होता था, मौखिक होता था।
समूह में सुनते थे, आयोजन देखते थे। तो इस तरह से पहले, क्योंकि पहुंच कम थी, छपाई क्रांति नहीं आई थी, और इस कारण से पहले मौखिक लेन देन होता था। और आज की डेट में बहुत सुलभ है, छपाई क्रांति आ चुकी है, बुक्स बहुत ज़्यादा पब्लिश हो चुकी हैं, बुक्स तक पहुंच जो है मनुष्य की आसान हो गई है। तो इस कारण से आज की डेट में पाठक अधिक हैं, यानी पढ़ने वाले अधिक हैं श्रोताओं की जगह, सुनने वालों की जगह। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट अनुच्छेद है आपका उद्योगों की स्थापना, ठीक है। इसके अंदर आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि समूहन बचत से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है बेटा कि कई बार क्या होता है कि बहुत से जो उद्योग होते हैं वो नगर के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, जैसे कि आपके बैंकिंग, बीमा, परिवहन। और जब ये उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं तो इसी टर्म को कहा जाता है समूहन बचत। उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, एक एक नंबर में ये प्रश्न है बेटा। उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक हैं कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक, पूंजी, शक्ति के साधन, बाजार, जहाँ पर बाजार पास में होगा कच्चा माल आसानी से मिलेगा, पूंजी, श्रमिक और काम करने वाले, शक्ति के साधन जहाँ आसपास होंगे वहाँ पर उद्योगों की स्थापना की जा सकती है, ठीक है। इन सबको देखना होता है। थर्ड है औद्योगिकरण तथा नगरीकरण कैसे साथ साथ चलते हैं, दो नंबर में ये प्रश्न है। जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो हमने देखा उद्योग के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। वो जगह जहाँ पर है वहाँ पर हमने उद्योग का स्थापना कर दी। और वहाँ पर अगर उद्योग की स्थापना हो गई, विनिर्माण उद्योग की स्थापना हो गई, तो वहीं पर जहाँ पर विनिर्माण प्रक्रिया, औद्योगिक प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, वहीं पर नगरीकरण साथ साथ प्रारंभ हो जाता है। और इसीलिए ये दोनों चीज़ें औद्योगिकरण और नगरीकरण एक साथ साथ चलते हैं। कहाँ पर रहेंगे हम लोग, जहाँ पर हमें सुविधा मिलेंगी, और सुविधा हमें कहाँ मिलेंगी, जहाँ पर उद्योग होंगे, व्यवसाय होंगे। तो यही चीज़ है कि जहाँ जहाँ उद्योग होंगे वहाँ वहाँ सिटीज़ भी विकसित होते जाएंगी, नगरीकरण भी होता जाएगा। चलते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में आपको वापस से एक अनुच्छेद दिया गया है, इस अनुच्छेद को पढ़ना है और उसके आंसर्स देने हैं। तो क्वेश्चन है आपका, संविधान में किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। तो इसका आंसर है बेटा कि भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा जो है वो नहीं दिया गया है। हिंदी भी जो है वो राष्ट्रभाषा नहीं है, वो एक राज्य भाषा है। 40% लोग ही हैं भारत में जो हिंदी बोलते हैं। इसके अलावा 21 भाषाएं भारत में ऐसी हैं जिनको अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। तो 21 भाषाओं को, इसका जवाब मैं दे चुकी हूँ। हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग के लिए क्यों चुना गया, ये दो नंबर का प्रश्न है आपका। इसके अंदर क्या है कि संविधान जो है उसके अनुसार सरकारी जो कामकाज था उसकी जो भाषा है वो अंग्रेजी 1965 में बंद हो जानी चाहिए थी, लेकिन गैर हिंदी भाषी प्रदेशों के मांग में बहुत सारे राज्य ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजी को अपनाने के लिए एक मतलब आंदोलन ही कर दिया था एक तरह से। तो तमिलनाडु उनमें से एक प्रमुख है। तो बहुत केंद्र सरकार ने क्या किया कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी ऐसे मान्यता दे दी और इस विवाद को खत्म किया। इसके बाद बेटा आपका जो मानचित्र पर आधारित एक ये प्रश्न है कि ए और बी यहाँ पर आपको मानचित्र पर चिन्हित किए गए हैं। तो वहाँ पर आपको ए देख करके बताना है वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो एक मैप इसके लिए आपको प्रोवाइड किया गया है, ए पॉइंट, जहाँ पर क्या हुआ था, अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1920 में। तो सबसे पहले आपको जगह का नाम पता होना चाहिए, तो वो है कलकत्ता। तो जहाँ ऑप्शन ए है वहाँ पर आपको क्या लिखना है, कलकत्ता, ठीक है। एंड जो सेकंड है आपका, सेकंड जो आपसे पूछा गया है, तो सेकंड है वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नील की खेती करने वाले किसानों के पक्ष में सत्याग्रह किया था। तो सभी को पता है कि उस सत्याग्रह का नाम था चंपारण सत्याग्रह, और चंपारण जो पड़ता है बिहार में पड़ता है। तो आपको जहां ऑप्शन बी लिखा हुआ है वहां पर बताना है चंपारण, ठीक है बेटा। ये था आप लोगों का मैप।
37 क्वेश्चन। तो अभी हम लोग जितना इसको सॉल्व कर सकते थे बेटा हमने उस पेपर को सॉल्व किया है। जो इसकी ऑफिशियल आंसर किया है वो आप सभी को पता है कि 6 बजे के बाद अपलोड हो जाएगी। 6 बजे के बाद जब सेकेंड शिफ्ट का पेपर हो जाएगा तब आएगी। तो ऑफिशियल आंसर की भी आप शिक्षा प्रवाह पर देख सकते हैं 6 बजे के बाद। वहाँ पर आपको उसका PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बेटा वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, तो मेरी वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनके लिए एक क्यूट सा थैंक यू। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।